तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे OB24 अपडेट के बारे में, हमारे OB24 अपडेट में क्या क्या चेंजेस आए, और इसी के साथ साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे OB24 अपडेट में जो सबसे ज़्यादा काम किया गया है वो हमारे कैरेक्टर्स के ऊपर है, और हमारे कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा सुधराया गया है, और उसी के साथ साथ हमारे कैरेक्टर्स को और ज़्यादा मतलब अच्छा किया गया है। और अभी हमारे अगर देखा जाए तो हमारे क्रोनो में जो है शील्ड थी, उस शील्ड को मतलब थोड़ा इंक्रीज किया गया है, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा अभी, और उसके साथ साथ उसका जो मतलब वो पूरे के पूरे 8 सेकंड तक रहेगा, पहले वो 9 सेकंड तक रहता था, अभी 8 सेकंड तक रहेगा, और वो पूरा का जो उसका जो कूल टाइम है वो कूल टाइम रहेगा अभी 200 सेकंड का, मतलब जितना हमारे उकोंग को लगता था अभी उतना उसको लगेगा। तो इसके साथ साथ यही था हमारा कि मतलब जो हमारे क्रोनो पे काम किया गया उसका अपडेट। तो अभी उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अपने उकोंग चाचा की तरफ। तो उकोंग में बहुत ज़्यादा चेंज लाया गया, क्योंकि उकोंग को भी बहुत ज़्यादा सुधारा गया है, उकोंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाए गए। जैसे ही आप एकादी को किल करोगे वैसे ही आपका जो उकोंग है वो पट्टे से चार्ज हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज हो जाएगा आप यूज़ करके जास मार सकते हो। जैसे कि आप गेम में देख पा रहे हो, मैं जैसे किसी को नॉक कर रहा हूँ, अपने स्क्वाड में नॉक कर रहा हूँ, वैसे मेरा जो उकोंग है चार्ज हो रहा है। अब भाई आप कितने बार यूज़ करो, बस आपको एक किल करना है, उकोंग 200 सेकंड नहीं लेगा, मतलब जो 3 मिनट लेता था वो 3 मिनट नहीं लेगा चार्ज लेने के लिए। और बहुत ओपी गुंडा कैरेक्टर कर दिया गया है हमारे फ्री फायर की तरफ से। तो भी बढ़ते हैं हमारे जो ट्रेनिंग ग्राउंड में, ट्रेनिंग ग्राउंड में अभी से हम जो है एक 1v1 मैच करने मैच कर सकते हैं, और वो 1v1 मैच होगी फिस्ट फाइट वाली, फिस्ट फाइट कर सकते हो फिस्ट फाइट, और जो भी मतलब बंदे फैक्ट्री रूप चैलेंज करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी जगह हो सकती है। तो इसी के साथ हमारे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ में हमें जो पता चल रहा है, स्काइमिंग नाम से जो जाने वाली थी तो वो कुछ दिनों के बाद हमको जो फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसे हमको स्काइमिंग मिलती है हम आपको बता देंगे कि स्काइमिंग का क्या काम है। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारी अभी आगे की न्यूज़ की तरफ। गोल्ड रॉयल है वो चेंज हो गया है, तो हमारा गोल्ड रॉयल चेंज हो गया, तो ये था हमारा अपने गोल्ड रॉयल का कुछ लुक। तो मैंने निकाल लिया, आप भी निकालो, थोड़ा सा ठीक ठाक बंडल है। अभी अपने जो FF टोकन है उसमें भी कुछ चेंजेज आए, FF टोकन भी बदल गया है, और बाकी कुछ नहीं बदला, बस वो रेड वाले टोकन जो FF टोकन मिलते थे हमको वो उसमें कुछ बंडल आ गए हैं। तो बस यही थे अपडेट इसकी। तो अभी बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि कैरेक्टर्स में बहुत सारे चेंज आए, तो उसी तरह कि हमारे जो हायाटो में है, वो हायाटो में जो है जब हम हायाटो से कोई मतलब जैसे लाइफ कम होता है तो वो डैमेज देता था, तो उसका डैमेज थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। और जो हमारी ये हीलिंग मतलब रिवाइव देने पे प्लस देने वाली काम करती थी ये कैरेक्टर, मतलब रिवाइव देने पे हीलिंग प्लस होती थी 60-70 जितनी होती थी, उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है। पहले 60 देती अभी 70 देगी। और अभी जो हमारा जो बंदा था जो फटाफट हीलिंग करता था उस कैरेक्टर की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, और हमारे क्रोनोस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, तो इसलिए दिल से बुरा लगता है। उसका जो कूल टाइम है वो 200 था पहले लेवल पे, अभी 170 है। तो अभी जो हमारा उकोंग है, उकोंग को बहुत ज़्यादा सुधारा गया है, क्योंकि उकोंग में जैसे किल करेगा उसका भी जो मतलब कूल टाइम वो पट्टे से मतलब वो कूल हो जाएगा, और अपन यूज़ कर सकते एक पट्टे एक नॉक या किल के साथ। तभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट हो गया हमारे गन में। तो हमारे गेम में एक नई गन इंट्रोड्यूस की गई है जिसका नाम है कॉर्ड। तो ये गन मतलब थोड़ा ड्रैगन और M60 का मेल है। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारे अगली अपडेट की तरफ। तो आज के अपडेट के बाद हम जो है हमारा बैकपैक जो है, हम उस बैकपैक को अपन पहले जब देखते थे तब बस घुमा के देख सकते थे और थोड़ा प्लस करके देख सकते थे, पर अभी हम पीठ को लगा के देख सकते हैं अपने बैकपैक को, जो कि खूब मतलब अपने हेल्प करेगा कि अच्छे बैकपैक चूज़ करने में। इस हमारा वीडियो आज का खत्म होता है, यही थे आज के बस अपडेट। तीसरा वीडियो ख़त्म करते हैं।